इंदौर में गर्मी के मौसम में अलग अलग क्षेत्रों से आगजनी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी दौरान मंगोलिया क्षेत्र में मौजूद एक दवाई के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां पूरे गोदाम में रखे सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के मंगोलिया की है। मंगोलिया में बायोमैक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक गोदाम था। उस गोदाम में विभिन्न तरह के दवाइयों की सिरप और टैबलेट रखी हुई थी। आपको बता दें कि बुधवार देर रात अचानक इस गोदाम में आग लग गई और देखते देखते तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ में फैले गोदाम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग लगते ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जैसे तैसे आग को दमकल विभाग ने बुझाया। तकरीबन 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान दमकल विभाग की गाड़ी इंदौर और देवास से बुलानी पड़ी। करीब 4 लाख लीटर पानी, जो कि करीब 40 से ज़्यादा पानी के टैंकरों की मदद से आगजनी की घटना पर काबू पाने में इस्तेमाल किया गया। इस दौरान विभाग के तकरीबन 25 कर्मचारी और फायर विभाग के SP खुद मौके पर मौजूद रहे, आग की घटना पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। वहीं जिस समय दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची थी, उस समय भीषण आग का रूप ले चुकी थी। दमकल विभाग ने एहतियात बरतते हुए आगजनी की घटना पर घंटों संघर्ष करते हुए आखिरकार उस पर काबू पा ही लिया। फिलहाल आगजनी की इस घटना में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम में अलग अलग बीमारियों की दवाई रखी हुई थी। प्रारंभिक तौर पर आग किन कारणों के चलते लगी, इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को भी नहीं है। वहीं गोदाम के अंदर भी फायर इक्विपमेंट सिस्टम नहीं लगे थे। गोदाम किसी राजीव अग्रवाल का बताया जा रहा है। गोदाम के अंदर विभिन्न तरीके की दवाइयां रखी हुई थी, उसके मालिक मनीष खंडेवाल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।